एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चबी चिक्स। आई एम पलक अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, मैं आज क्लीन अप करने वाली हूँ और क्लीन अप जो मैं जिस प्रोडक्ट से कर रही हूँ वो है ये प्रोडक्ट, वो है रिच फील का 30 मिनट स्पेशल किट यानी कि क्लीन अप। ठीक है, अब आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ क्लीन अप और फेशियल में। जब हम फेशियल करते हैं तो वो हमारा 1 आवर तक तो होता है कम से, लेकिन जब हम क्लीन अप करते हैं तो वो 30 मिनट्स तक ही होता है, उससे ज़्यादा के नहीं होता है, क्योंकि उसमें मसाज बहुत कम होती है, क्योंकि वो टीनेजर्स भी करवा सकते हैं लेकिन फेशियल नहीं करा सकते टीनेजर्स। ठीक है, तो हम ये यूज़ कर रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये अंडर 50 रुपीज़ है। अभी इसका MRP जो है वो 99 है, लेकिन आपको डिस्काउंट पे 50 के अंडर मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। सो इसमें हमें एक्चुअली इसमें केवल हमें 3 स्टेप्स प्रोवाइड होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से। इसमें इस तरह से हमें 3 पैकेट मिलते हैं। नंबर 1 है हमारा क्लेंस स्क्रब। ये आपका ये जो स्टेप 1 है ये आपका क्लिनजर तक का भी काम करेगा ऊपर, और स्क्रब का भी, मतलब उसको आपको एज अ स्क्रब और एज अ क्लिनजर दोनों तरीके से यूज़ करना है फर्स्ट स्टेप की तरफ। फिर 2nd है हमारा मसाज क्रीम। इसको हमने वही 10-12 मिनट्स मसाज करना है। ठीक है, और 3rd है हमारा ये पैक। ठीक है, मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इस पैक जो ये पैक है इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत प्यारे हैं। आप सुनिए, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मुल्तानी मिट्टी, 2nd कायोलिन की मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके साथ, आई थिंक 2nd या 3rd वीडियो थी मेरी, जिसमें इंस्टेंट ब्राइटनिंग मास्क मैंने प्रिपेयर किया था। कायोलिन मेरे पास अलग से सेपरेट भी है मेरे पास, और कायोलिन आपको मैं बता देती हूँ बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। फिर इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हनी, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये सब है इसमें। अब हम अपना ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। मैं टोनर से ही वेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एवोकाडो टोनर। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, इसकी क्वांटिटी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, 1 टाइम होगा या 2 टाइम्स? तो ये एक्चुअली 1 टाइम ही आपका यूज़ हो पाएगा, आप क्वांटिटी देख सकते हैं इनफ है, बट अगर 2 टाइम्स मिलेंगे तो एक प्रॉपर अमाउंट हमें मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए ये 1 टाइम के लिए ही है। इसको मैं 1 टाइम के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। 50 रुपीज़ के अंदर आपका क्लीन अप हो रहा है, आपको क्या चाहिए इतने अच्छे उसके साथ। मैंने ले लिया है, इसमें आपके बहुत माइल्ड से पार्टिकल्स हैं स्क्रब के लिए। आप चाहें तो इससे पहले ब्लीच कर सकते हैं। जब भी आप क्लीन अप या फेशियल करते हैं तो उससे पहले ही ब्लीच करिएगा, उसके बाद नहीं। रिच फील के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स purple.com में अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट करने मत भूलिएगा। इसको हम 2-5 मिनट्स तक स्क्रब करेंगे अच्छे से, जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आप अच्छे से स्क्रब कीजिएगा। जैसे मेरे यहाँ पे चिन एरिया के पास बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स तो मैं निकालती रहती हूँ, आपको पता ही है। तो मैंने वॉश कर लिया है, फिर मैं पैड करके पैड ड्राई कर लूँगी। स्क्रब करने के बाद हमेशा स्किन ना बहुत सॉफ्ट लगती है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि हमें कब कितने टाइम पीरियड के अंदर करवाना चाहिए। तो अगर आप टीनेजर जो हैं वो क्या करवाएंगे, क्लीन अप करवाएंगे, ठीक है, तो वैसे उन्हें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बट अगर फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें ज़रूरत है या कुछ प्रॉब्लम है उनकी स्किन के साथ या बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स हैं तो ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आप कम से 1.5 से 2 महीने के अंदर आप करवा सकते हैं। और अगर आपकी थोड़ी एजड है या आप
25 के अबव हैं तो आप, या 30s के अबव हैं तो आप एक महीने में एक बार करवा सकते हैं फेशियल, ठीक है, आप क्लीनअप भी करवा सकते हैं। तो गाइज मैंने अब अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव कर रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप था हमारे पास मसाज क्रीम। इसमें थोड़ी बहुत टेक्निक्स होती हैं, अगर आप उन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तभी आपके फेस पे ग्लो आता है। अगर आप टेक्निक्स का यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल कर रहे हैं, तो आप एक ग्लो जो एक्चुअली में ये सब करके आता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देख सकते हैं आप इतनी क्वांटिटी हमें इसमें रिसीव हो रही है जो कि इनफ है। हमें 10 to 12 मिनट्स अपने फेस पे मसाज करनी है। पूरी जो क्वांटिटी है आपकी क्रीम की वो आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी है। आप अपना नेक भी इसके साथ क्लीन कर सकते हैं और करना भी चाहिए, बट अभी मेरे लिए बहुत मैसी हो जाएगा कैमरे के सामने, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। जब आप एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में अपने फेस पे पूरी तरह से क्रीम लगा लेंगे तब आपको मसाज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करना है। पहले तो ये सर्कुलर मोशन पे आपको करना है जैसे नॉर्मली हर कोई करता है, और हर चीज़ आपको ऊपर की तरफ करनी है, उससे आपके फेस पे टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग आती है, तो आपको हर चीज़ ऊपर की तरफ करनी है, ठीक है। तो हम जैसे सर्कुलर मोशन कर रहे थे, ऐसे ऊपर की तरफ कर रहे हैं, फिर हमें ऐसे भी करना चाहिए, ये भी एक टेक्निक होती है, इससे फेस लिफ्ट होता है और ग्लो आता है। क्रिस क्रॉस अब थोड़ी देर तक 10-12 मिनट्स तक आप करते रहिए जब तक थोड़ी सी ये एब्जॉर्ब ना हो जाए, उसके बाद वॉश कर लीजिएगा। तो मैं वॉश करके आ गई हूँ क्रीम। 10 मिनट्स मसाज करने के बाद अब मैं इसे वो नहीं कर रही हूँ, मैं इसको पैड ड्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें मास्क अप्लाई करना है और मास्क के लिए हमें हमेशा कभी भी ड्राई स्किन पे मास्क अप्लाई नहीं करना चाहिए, हल्की सी वो वेट रहनी चाहिए ताकि वो इवनली हमारा मास्क स्प्रेड हो सके। थर्ड स्टेप पैक, एलो हनी पैक। हाँ मैं आपको एक बता दूँ, भूल गई कि ये है एलो हनी फेशियल किट है ये, ओके। बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ये पैक क्योंकि इसमें कैरोलिन है, कैरोलिन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होती है। तो पैक की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं आप कंटेनर मेरा फुल हो चुका है। ये ड्राई पैक है, वेट पैक नहीं है, इसे दो जने भी अप्लाई कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, ओके। सो इसे अप्लाई करने के लिए मैं इसमें टोनर, मैं इस पर टोनर स्प्रे कर रही हूँ ताकि थोड़ा वेट हो जाए। मैंने जितना अपना फेस वेट किया था सब ड्राई हो चुका है। तो हमारा ये हो चुका है लगभग, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी का लीन ये सब बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं, इसलिए। तो गाइस ये मैंने इवनली स्प्रेड कर चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट्स तक, या जब तक वो ड्राई होता है तब तक मैं इसके सूखने का वेट करती हूँ। मैंने ये फिंगर से ही अप्लाई किया है, तो आप चाहे तो आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इट्स नो प्रॉब्लम कि फिंगर से और ब्रश से, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो उससे आप कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ बात, कि ये जो टोनर है गुड वाइब्स का एवोकाडो टोनर,
ये मैंने जब परचेज किया था तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. अभी मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, मैंने इसे इतना यूज़ किया है इतना, ठीक है. तो इसमें पता है क्या है कि जब मैंने पहले यूज़ किया था तो मुझे थोड़ी सी इरीटेशन सी हुई थी, थोड़ी इरीटेशन हुई थी मुझे अपने फेस पे, पर मुझे लगा कि अब तक किसी और चीज़ से हो रही हो, मुझे नहीं पता था, ठीक है. पर मैंने जब भी इसे यूज़ किया मुझे इरीटेशन हुई, और आज भी मैं जब इसे यूज़ कर रही थी तो मुझे इससे इरीटेशन हो रही थी. तो पता नहीं, क्या पता ये मुझे सूट ना करे, क्या पता ये मुझे सूट नहीं कर रहा होगा, या जो भी होगा कि अब तो मेरी स्किन पे ना सूट करे, आपकी कर जाए. बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मुझे सूट नहीं कर रहा है. तो अगर आपको मेरी, तो बस मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, बाकी आपके ऊपर, आपको लेना या नहीं लेना, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, ऑफकोर्स लेना. अब इसके सूखने का वेट करते हैं. मैंने ये फेस पैक पहले उस टोनर के साथ अप्लाई करा, ठीक है. तो जब मैंने उस टोनर के साथ वो फेस पैक अप्लाई किया तो मुझे इरिटेशन होनी शुरू हो गई. तो फिर मैंने वॉश करके आई अपना फेस, ठीक है. फिर मैंने दोबारा वो पैक पानी में मिक्स करके लगाया और तब मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई. तो इससे क्लियर पता चलता है कि मुझे उस टोनर से इरिटेशन हुई है. तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी. गाइस, मैं वॉश करके आ गई हूँ, उसे पैड ड्राई कर लेंगे. हमेशा अपने मास्क को एकदम से ड्राई मत कीजिए कि एकदम ड्राई होगा तभी वॉश करेंगे. थोड़ा सा हल्का गीला होना चाहिए, हल्का सा, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राई होगा तो आपकी स्किन में क्रैक्स पड़ जाएंगे, ठीक है. नाउ यू कैन सी अंडर 50 rupees, नॉट चीप, नॉट एनीथिंग, अच्छा खासा है, अच्छी खासी ब्रांड है. bubble.com में इजीली आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएंगी. सो आप चेकआउट कर लेना. और आप इस पर मैं अपनी क्रीम्स वगैरह अप्लाई कर लूँगी, जो मैं अप्लाई करती हूँ, नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या जो भी मेरा है रूटीन उसको. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. और इस वीडियो को पसंद कीजिएगा और खूब सारा प्यार देके सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय.